हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ट्रैफिक के हवाले से ये बहुत हर बंदे के लिए मुश्किलात बनी हुई है, हर बंदे के लिए मसला बना हुआ है आने जाने के लिए। ट्रैफिक जो ट्रैफिक का मसला है वो आवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। जुड़वा शहरों में नवे रोज भी निजाम जिंदगी मफलूज। फैजाबाद में तहरीके लबैक का धरना जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जमीनी राबता, सड़कों पर ट्रैफिक का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मजहबी जमातों को धरना खत्म करने का हुक्म। नेकी का काम गलत तरीके से किया जाए तो गलत है। मामला अदालत में आ गया, खुदा का खौफ करें, मुजाहिरीन कानून की पाबंदी करें। जस्टिस शौकत अजीज की हुकूमत मजहबी जमात का धरना खत्म कराने में नाकाम नजर आती है। जाहिद हामिद को वजारत से फारिग किया जाना चाहिए। एहसन इकबाल मुजाहिरीन से मुजाकरात करें, पीटीआई रहनुमा। नईम उल हक की आज न्यूज से गुफ्तगू। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस यकजा करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने अपने चैंबर में समाप्त की। एहतसाब अदालत नैब रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। डॉक्टर आसिम को इलाज के लिए एक बार फिर बैरूने मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। विफाक तमाम मुलजिमान के साथ यकसा सलूक क्यों नहीं करता, जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को बाहर भिजवा दिया। संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजिमों का नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला जाता, पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। में कत्ल 15 अफराद की मैयतें C-130 के जरिए आज कराची पहुंचाई जाएंगी, जिसके बाद आबाई इलाकों की तरह रवाना किया जाएगा। लवाहिकीन गम से निढाल। पेशावर में कलदम तंजीम के दो दहशतगर्द गिरफ्तार, दो बम बरामद, BDU ने नाकारा बना दिए। सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान का जराइम में मुलविस होने का इंकशाफ। ग्रेड 16 से कम 184 अफसरान को सजाएं दी गई। ग्रेड 17 के 31 और ग्रेड 18 से 21 तक के 35 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। IG सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CPO सऊद अजीज और DSP खुर्रम शहजाद को नोटिस जारी कर दिए। स्पीकर कौमी असेंबली की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमा आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों पर गौर होगा। मिट्टी में गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा हलाकतों की तादाद 20 तक जा पहुंची। इलाके में हुकूमती इकदाम न होने के बराबर। पेशावर के इलाके पखा गुलाम में गैस लीकेज से मकान में आग लग गई। बच्चे समेत 8 अफराद झुलस गए, 4 की हालत तश्वीशनाक। कोयटा में वकील के कत्ल पर बलूचिस्तान भर में वकला की हड़ताल। कराची में भी अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट, तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी।
मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सवात, एबटाबाद और हजारा डिवीजन में ठंड बढ़ गई। नथिया गली, ठंडियानी